प्रदेश एवं देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से जबलपुर थाना मदन महल थाना प्रभारी प्रवीण धुर्वे। थाना मदन महल पुलिस परिवार की ओर से सभी को, सभी देशवासियों और सभी जबलपुर शहर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से मोहम्मद जहीर, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और उत्तर विधानसभा के सभी साथियों की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो ये त्यौहार है, ये गंगा जमुना तहजीब का एक त्यौहार है और ताल तलैयों के शहर में आप सबको एक बार फिर पुनः मुबारकबाद। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से नगर परिषद भैरुंदा अध्यक्ष मारुति शिशिर। जय जय भारत। आप सभी को, नगरवासी, क्षेत्रवासी, आप सभी को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों के कारण मना रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर अपने प्राणों को निछावर कर दिया और देश को आजाद कराया। हम उन सभी शहीदों को सत्सत नमन करते हैं। आज हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आप सभी को बहुत। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत पुलिस स्टेशन से महज चंद कदमों की दूरी पर कुछ रईस जादों की अनियंत्रित कार ने ऐसा कोहरा मचवाया कि एक गरीब का आशियाना ही उजड़ गया। दरअसल बीती रात MP20CD3171 क्रमांक कार में सवार कुछ युवक तेज रफ्तार से कार को दौड़ा रहे थे, तभी अचानक कार चालक कार से अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे बने एक घर की दीवार पर कार दे मारी। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त घर के अंदर कमलेश बिरहा अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के साथ सो रहे थे, तभी अचानक कार की टक्कर से घर की दीवार गिर गई। वह तो गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार के लाखों रुपए का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित पक्ष की माने तो कार के अंदर चार लड़के एवं एक लड़की बैठी थी और सभी नशे में धुत थे। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कौन सी जगह पे, कौन सी जगह है और क्या हादसा हुआ आपके? कार थाने के सामने से बड़ी स्पीड में आई और वो दीवार को फाड़ती हुई, हम पूरे परिवार के लोग सो रहे थे और सोते में पूरे घर के अंदर पूरे घर को डैमेज कर दी, जिसमें कि जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पूरा गृहस्थी का सामान चला गया। अब रहने के लिए भरे त्यौहार में हम लोग अब कहाँ जाएँ, कहाँ रहेंगे? और हम लोगों ने FIR की है। FIR में भी पांचों को छोड़ दिए हैं, एक लड़की को लेके घूम रहे थे, बहुत पिए हुए थे वो। कार में कितने लोग सवार थे? कार में पाँच लोग थे सवार। कौन कौन थे? एक लड़की थी और चार लड़के थे। ये लोग सीधे उतर के मैदान में जाके छुप गए और एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था वो आया बल्कि हम लोगों को देखने के लिए और आवाज़ दे के हम लोग को बाहर निकालने की कोशिश भी किया उसने। उतने में हमारी बस्ती के लोग आए और उतने में पुलिस की गाड़ी आ गई पीछे से, उस लड़के को पकड़ के ले गए और रात भर थाने में बैठा ले रहे। बैठाने के बाद में जब मैं दिन में भी गया, अभी सुबह भी गया, तो उन सब को छोड़ दिया गया है। ये बताइए कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय घर में कितने लोग मौजूद? चार लोग हम लोग सो रहे थे, दो बच्चे हमारे और हम दोनों। आपका नाम? कमलेश कुमार बिरहा। थाना कैंट क्षेत्र में थाने से कुछ 100-200 मीटर दूर एक गली में कार बहुत तेज लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक मकान में घुस गई, जिससे उसकी दीवार और सामान क्षतिग्रस्त हो गए। तत्काल इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर उस कार को जब्त कर ली है, चालक को हिरासत में ले लिया है और जिनका नुकसान हुआ है उनकी तरफ से रिपोर्ट एक्सीडेंट की और नुकसानी की दर्ज कर ली गई है और इसमें विवेचना की जा रही है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज सेवा और शादियों में हमेशा आगे होकर सहयोग देते हैं। बाबूलाल इंजीनियर। प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से भोपाल नगर निगम फायर ऑफिसर रामेश्वर नील। मैं रामेश्वर नील, फायर ऑफिसर नगर निगम भोपाल से। मैं अपने नगर निगम परिवार की तरफ से देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहर वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सौजन्य से नगर पालिका परिषद आष्टाध्यक्ष एवं सीएमओ व सभी कर्मचारीगण।